सो हे गाइज, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्ट्रेकिंग का टाइम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप मेरी तरह कोई क्रिएटर हो और आपके व्यूज़ और सब्सक्राइबर कुछ भी नहीं बढ़ रहे, इवन आपने साल मेहनत कर लिया, 2 साल मेहनत कर लिया, इवन 3 साल मेहनत कर लिया, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहे, ना सब्सक्राइबर आ रहे और ना आपके चैनल की ग्रोथ बढ़ रही है, तो ऐसे में आप क्या गलती करते हो? और साथ ही साथ मैं आपको एक ऐसी प्लस पॉइंट के बारे में बताऊंगा जिसकी मदद से आप ईजिली अपने चैनल की ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हो, व्यूज़ बढ़ा सकते हो। अब गाइज, किस तरीके से करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी करते हैं और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है ये आज का, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। और गाइस, आपसे वैसे तो मैं कभी रिक्वेस्ट करता नहीं हूं, लेकिन आपसे इस वीडियो में रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखना, जिससे आपके चैनल की भी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। तो गाइस, फाइनली आपको स्टार्टिंग में करना क्या है कि बहुत सारे क्रिएटर जो है अपनी वीडियो बनाते हैं, तो वीडियो बनाने के बाद कैसे आपको टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन लिखना है वो तो बात अलग मैटर करता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपने टाइटल फाइंड करने हैं और किस तरीके से आपको अपनी वीडियो को जो है सर्च में लाना है। तो गाइज, यहाँ पे मैं अपने चैनल की बात कर लेता हूँ, तो मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स वगैरह दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, अभी आप मेरे साइड में देख सकते हो, यहाँ पे जो है ये मेरे चैनल का एनालिटिक्स है और मैं आपको यहाँ पे सारा चीज़ कम्प्लीटली दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे अपनी मोस्ट पॉपुलर वीडियो निकाल के दिखाता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरी वीडियो किस तरीके से वायरल हो रही है और नए चैनल जो होते हैं वो किस तरीके से रैंक होते हैं, कैसे उनके चैनल पे व्यूज़ आते हैं, किस हिसाब से उनके चैनल की ग्रोथ बढ़ती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, हाउ टू रिमूव वाटरमार्क इन काइनमास्टर, ये जो मेरा वीडियो है ये डिमोनेटाइज है, क्योंकि गाइज ये एज रिस्ट्रिक्ट हो चुकी है ये वीडियो। और साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे व्यू मोड पे दिखाता हूँ, तो आप इसका ट्रैफिक सोर्स देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन फीचर में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक थ्रू रेट जो है वो 7.7% है और इसका ट्रैफिक सोर्स जो है वो गाइज 89% जो है वो सर्च से है। अब मैं आपको दूसरी वीडियो दिखाता हूँ जो मेरी मोस्ट पॉपुलर है। आप यहाँ पे काइन मास्टर के बाद आप पावर डायरेक्टर को ले लो, इसमें भी आपको वही देखने को मिलेगा। डिस्कवरी फीचर में जाएंगे और यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो है 86% जो है व्यूज़ वो ओनली सर्च से आया है। अगर मैं इसकी लाइफ टाइम की बात करूँ तो मैं इसे लाइफ टाइम पे भी कर देता हूँ, फिर भी आप देख सकते हो 76% जो मेरे व्यूज़ आए वो ओनली यूट्यूब सर्च से आए। अब किस तरीके से ये काम करता है सर्च और किस तरीके से आप अपनी वीडियो जो है यूट्यूब सर्च रैंक में ला सकते हो, वैसे मैं आपको एक चीज़ नॉर्मल बता देता हूँ, आपके चैनल पे व्यूज़ आएंगे तो सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे, ग्रोथ भी बढ़ेगी, सब कुछ वो मैटर करता है आपके व्यूज़ के ऊपर। आपको एक चीज़ मैं कन्फर्म बता देता हूँ, किसी के भी अगर 2 मिलियन व्यूज़ हैं उसके चैनल पर, तो इससे आप आइडिया लगा लेना कि एवरेज उसके चैनल पर 15 से 20 हज़ार या 25 हज़ार सब्सक्राइबर होंगे। वो व्यूज़ के ऊपर मैटर करता है, जितने व्यूज़ होते हैं अगर अच्छा कंटेंट है तो उस हिसाब से भी उनके सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे इजिली आप कोई सा भी मेरा ये टॉपिक वाले वीडियो ले लो, चाहे ये फैक्टेक की वीडियो ले लो। यहाँ पे जो है मैं इसको अबाउट मोड में जाऊँगा और यहाँ पे डिस्कवरी फीचर में, यहाँ पे भी आप देख सकते हो यूट्यूब सर्च से जो है 87% जो है मेरे व्यूज़ आ रहे हैं। अब गाइस, किस तरीके से मैंने ये सारी वीडियो जो है यूट्यूब सर्च में जो है अपनी जो एल्गोरिथम में सेट किया है और किस तरीके से इस पे व्यूज़ आ रहे हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको करना क्या है, एक वीडियो अपलोड करनी है। तो गाइस, एग्जांपल के लिए मैंने एक शॉर्ट क्लिप अपलोड की अपनी वीडियो की, तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ये शॉर्ट क्लिप मैंने अपलोड कर दिया है। और इसके लिए आपको गाइस, अब उस पे कैसे आपको अपनी वीडियो को सर्च में लाना है, किस हिसाब से आपके कीवर्ड रैंक करेंगे, किस हिसाब से आपके टैग रैंक करेंगे, इसके लिए सिंपली आपको जाना है यूट्यूब पे। और यूट्यूब पे जाने के बाद गाइस, आपको यहाँ पे एक मोड मिल जाता है साइड में, लाइब्रेरी पे आप क्लिक करते हो। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा, टर्न ऑन इनकॉग्नेटो मोड, आपको इसे मोड कर ऑन कर देना है। इसमें यह होता है कि आपका जितना भी डाटा होता है वो सारा जो है बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल न्यू जीमेल आईडी की तरह। तो गाइज, यहाँ पे कोई भी कंपैरिजन नहीं रह जाता कि आप कौन से चैनल को विजिट करते हो, कौन से चैनल देखते हो, ये बिल्कुल फ्रेश हो जाता है। तो यहाँ पे हमें अपने टॉपिक को सर्च करना है। जैसे मान लीजिए मेरा ये टॉपिक है कि यूट्यूब चैनल पे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो यहाँ पे मैं अपने जो है टॉपिक को लिख दूंगा, यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं। तो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हो ऑटो सजेशंस मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो गाइज़, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो आपको जो भी टॉप वीडियोज़ होती है यहाँ पे ऊपर आ जाएगी, लेकिन हमें करना क्या है, उस पर दोबारा टैप करना है और गाइज़ यहाँ पे जो है आपको नीचे कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। तो ये कीवर्ड कैसे यूज़ करना है इसका भी मैं बताऊँगा। और सबसे पहले आपको यहाँ पे साइड में जाना है और स्टार्टिंग टाइम पे ही एक डैश टाइप का जो होता है एरो, इस वाले एरो को यूज़ करना है। और साथ ही साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कितने सारे आपको कीवर्ड्स मिल जाते हैं, तो कम्प्लीटली ये कीवर्ड मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि ये जो कीवर्ड आप देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, तो इसमें जो है आपको थोड़ा बहुत अपने टाइटल को मॉडिफाई करना है। आपको बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपको सिंपली से ये टाइटल यूज़ कर लेना है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि ये टाइटल आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, सेम यही टाइटल रहेगा लेकिन इसके आगे आपको खुद से जो है आपको कोई दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यूट्यूब चैनल पर व्यूज़ कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर आप लिख सकते हो 2021, ये हो गया इन 2021, ये भी हो गया आपका नया टाइटल इन 2021,
या आप इस पे लिख सकते हो इजी ट्रिक या लिख सकते हो सीक्रेट ट्रिक। तो ये जो है कुछ यूनिक सा वर्ड आप अपने हिसाब से जोड़ोगे तो आपका टाइटल जो है बिल्कुल अलग हो जाएगा बाकी चैनलों के अकॉर्डिंग, मतलब कि सर्च में आपकी वीडियो आएगी लेकिन एक अलग टाइटल के साथ, क्योंकि सेम टाइटल पर अगर आप बनाते हो तो ऐसे बहुत सारे क्रिएटर हैं जिसने सेम टाइटल पर सेम टाइटल उन्होंने रखा है और सेम वीडियोज़ उनकी होती है। तो आपको क्या करना है, इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, आपको अपने हिसाब से दो चार वर्ड इसमें जोड़ने हैं जिससे आपका कीवर्ड जो है एक लॉन्ग टर्म कीवर्ड आ जाएगा। और इसके साथ आप शॉर्ट कीवर्ड भी जोड़ सकते हो, बाद में आप अपना आइडिया लगा लेना जो कीवर्ड यहाँ पे सजेशंस में आ रहे हैं उसको भी आप अपने टाइटल में ऐड कर सकते हो। लेकिन फर्स्ट ऑफ यहाँ पे रोल प्ले ये करता है कि आपको अपने टाइटल में पहले यहाँ पे कुछ अपने मन से लगाना है। इससे ये फ़ायदा होगा कि गाइस कि आपकी वीडियो जो है एक रैंक कर जाएगी एक अलग कीवर्ड पे, क्योंकि वैसे कीवर्ड पे ओनली आपकी वीडियो होगी और देन आपका यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है वो बहुत अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा आपकी वीडियो के साथ। और गाइस वो एक यूट्यूब के लिए नया कीवर्ड बन जाएगा जो आपकी वीडियो जो है सजेशन में चली जाएगी उस हिसाब से। उसके बाद गाइज हम यहाँ पे करना क्या है, जैसे ये कीवर्ड है YouTube वीडियो पे व्यूज़ कैसे बढ़ाएं 2020, तो हमें यहाँ पहले ये 2020 को हमें 21 कर देना है। सर्च करने के बाद गाइज आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारी वीडियोस हैं, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, फ़िल्टर वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइज हमें शॉर्ट बाय पे यहाँ पे करना है व्यूज़ काउंट। तो व्यू काउंट पे यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो मोस्ट पॉपुलर वीडियोस होती है, जो वायरल वीडियो होती है, वो सारा यहाँ पे आ जाएगा। तो हम इस वीडियो को भी टारगेट कर सकते हैं, तो आप इसके जो है टाइटल को भी कॉपी कर सकते हो, फर्स्ट टाइटल कॉपी कर लेना, देन सेकंड जो है आप अपने मन से लगा लेना, देन इसके कीवर्ड्स वगैरह जो होते हैं वो तो आपको यहाँ पे देखने को मिले जाएंगे और इसके टैग वगैरह जो है गाइस उस टैग को आप अपने डिस्क्रिप्शन में भी लिख सकते हो और थोड़े टैग उठा के आप अपने जो है टैग सेक्शन में भी डाल सकते हो। इस तरीके से गाइज ये होगा कि आपकी वीडियो जो है YouTube पे टॉप रैंक में आ जाएगी और सर्च में ऑफकोर्सली आएगी, क्योंकि एक वर्ड की वजह से आपका एक कीवर्ड जो है एक नई तरीके का कीवर्ड बन जाएगा और जितना भी ट्रैफिक होगा एक दिन वो कीवर्ड एकदम से वायरल हो जाएगा और सारे लोग उस कीवर्ड पे जो है वीडियोज़ वगैरह बनाना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन आपकी वीडियो सबसे ऊपर टॉप पर रैंक करेगी। और सपोज करें कि अगर इस तरीके से भी अगर इस टाइटल को भी सर्च किया जाए तो इस टाइटल के बीच में भी आपकी वीडियो रैंक कर जाएगी। मेरी मोस्ट ऑफ जो बहुत सारी ऐसी वीडियो जो है फर्स्ट नंबर पर रैंक करती है उसमें मैंने इसी तरीके को आजमाए, फिलहाल में मैंने बीच में ये तरीका छोड़ दिया था, लेकिन गाइस इस तरीके से मैंने बहुत सारे व्यूज़ को जो है अपने चैनल पे अचीव किया और अपने चैनल की ग्रोथ को भी मैंने अचीव किया है। सो गाइस यही था ट्रिक और अपना ओपिनियन जो है गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और गाइस आपको फाइनली मैंने बोला था पिछली वीडियो में कि मैंने अपनी पिछली वीडियो का टारगेट 20 रखा था और आपने रिसेंटली करवा दिया था, तुरंत ही करवा दिया था 20 लाइक, तो गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट मैं रखता हूँ ओनली 30 लाइक। मुझे पता है कि आप कंप्लीट करवा दोगे तो फटाफट से कंप्लीट करवा देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नई वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।